What is up guys, DSTK here. अगर आप Apple का कोई भी सब्सक्रिप्शन के फ्री ट्रायल में थे और एक्सपायर होने पर ऑटोमेटिकली आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट के सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो गया हो, या गलती से आपने कोई सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया है, ऑल्सो अगर आप Apple का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं और इन केस आपको बाद में पसंद नहीं आया और वॉट एवर द रीज़न इट इज़, डोंट वरी गाइज, आपको रिफंड मिल जाएगा फ्रॉम Apple विद इन 7 to 10 days फ्रॉम डेट ऑफ परचेज. ऑल्सो गाइज, आप कोई भी पेड एप्लीकेशन ऐप स्टोर से बाय करते हो, पसंद नहीं आई, या जिस काम के लिए आपने बाय किए थे वो अनएक्सपेक्टली नहीं हो पा रहा, या गलती से आपने बाय कर लिया है कोई भी एप्लीकेशन और वॉट एवर द रीज़न, इन सभी केस में आपको एप्पल रिफंड कर देगा एग्जैक्ट अमाउंट बट विद इन 90 days ऑफ लिमिट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज. सो गाइज, इन अपकमिंग 3 minutes यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट हाउ यू कैन गेट योर मनी बैक फ्रॉम ऑफिशियल एप्पल. सो हियर्स हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा. सिंपली आपको ओपन करना है आपका कोई भी ब्राउजर एंड सर्च करना है reportaproblem.apple.com. एंड एज फॉर कन्वीनियंस, लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो सिंपली आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं. आपको विजिट करनी है ये ऑफिशियल एप्पल की वेबसाइट है और सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन कर लेना है आपकी एप्पल आईडी से. सब कुछ हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा. यहाँ अपन ने जितने सब्सक्रिप्शन होंगे आपके वो दिखेंगे, प्लस आपने जो भी ऐप बाय की है ऐप स्टोर से जो कि फ्री होगी पेड होगी वो सारे डेटा यहाँ पर शो हो जाएंगे. और नाउ सिंपली आपको क्या करना है, रिफंड लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट रिफंड का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है लाइक क्वालिटी इश्यू और सस्पिशियस एक्टिविटी रिलेटेड, अकॉर्डिंगली ही आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पर अपन रिक्वेस्ट रिफंड पर क्लिक करेंगे और सिंपली प्रेस करेंगे डन बटन. तो यहाँ पर आपको टेल अस मोर में एक और ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि प्रिसाइसली मैच होता हो आपकी प्रॉब्लम से, लाइक आई डिडेंट मीन टू बाय दिस, मतलब गलती से बाय हो गया हो, या चाइल्ड माइनर से एक्सीडेंटली बाय हो गया हो तो सेकंड ऑप्शन है, या तो फिर आप सब्सक्रिप्शन रिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए थर्ड ऑप्शन है, या फ्री ट्रायल आप यूज करना चाहते थे बट नेक्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं करना चाहते तो फोर्थ ऑप्शन है, और या तो फिर आपने कोई ऐप परचेस किया बट नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड तो आपको सिलेक्ट करना है फिफ्थ ऑप्शन, या तो आपने इन ऐप परचेस किया है बट वो शो नहीं हो रहा और पेमेंट कट चुकी है तो आपको सिक्स्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन है अदर्स, सिलेक्ट अकॉर्डिंगली. तो यहां पर मेरा एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो गया था और पेमेंट भी हो गई थी, तो यहां पर मैं सिलेक्ट किया है आई डिडंट इंटेंड टू रिन्यू अ सब्सक्रिप्शन. तो सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको टैप करना है डन बटन, और जो भी आपकी एलिजिबल परचेज होगी आपकी एप्पल आईडी से वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, लाइक एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल आर्केड या पेड ऐप जो कि एलिजिबल है रिफंड के लिए. तो जिसका आपको रिफंड चाहिए सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है नेक्स्ट बटन, एंड एवरीथिंग इज डन फ्रॉम हियर. विद इन 3 to 5 minutes आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा आपकी एप्पल आईडी पर रिगार्डिंग रिफंड सबमिशन कंफर्मेशन, एंड 48 आवर्स में आपको रिफंड इनिशिएट हो जाएगा. और स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आपको लॉगिन करना है यही वेबसाइट पर, स्टेटस ऑफ क्लेम करके एक ऑप्शन वहां पर आपको शो जाएगा. मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट के ऊपर. सिंपली आपको यहां पर चेक स्टेटस ऑफ क्लेम पे करना है, सेम ही वेबसाइट है तो आपको यहां पर पूरा प्रोग्रेस आप चेक कर पाएंगे. माइंड इट वेल कि 48 आवर्स लगेंगे रिफंड इनिशिएट करने में. यहाँ मेरा एप्पल म्यूजिक का टैक्स इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं, 99 rupees का है. विद इन 36 आवर ही मुझे क्रेडिट नोट मिल गई थी कि 99 rupees का रिफंड बैंक अकाउंट में इनिशिएट कर दिया गया है बाय एप्पल. और मेरे बैंक स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 May को 99 rupees कटे थे और 2 June को 99 rupees आ भी गए थे. 48 आवर्स में रिफंड इनिशिएट कर देता है एप्पल, बट डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक 4 to 7 business days लगते हैं. प्राइवेट बैंक होगी आपकी HDFC, एक्सिस वगैरह जैसी, तो आपको सेम डे पेमेंट रिसीव हो जाएगा. और गाइज, एप्पल रिफंड पॉलिसी को लेके आपकी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेरीज करके, तो डेफिनेटली आप वो चेक कर सकते हैं. और फर्दर असिस्टेंट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो गाइज, इस तरीके से आप कोई भी रिफंड ले सकते हैं आपकी एप्पल सब्सक्रिप्शन का, या तो फिर आपने ऐप स्टोर से कोई पेड एप्लीकेशन बाय की है और अनएक्सपेक्टली वॉट एवर द रीज़न इट इज़ वो वर्क नहीं कर रही, या आपने गलती से बाय कर ली है, इन सभी केस में आपको रिफंड मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स फ्रॉम ऑफिशियल एप्पल. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन.